हाय गाइस एंड वेलकम टू द बीना डिकोड्स। रोज मैं कोई ना कोई व्लॉग बनाती हूँ और आप लोगों के सवाल धरे के धरा ही रह जाता है। आज हम तीनों मीनूड़ी एंड पिनूड़ी हैव कम टू आंसर 1000 क्वेश्चंस ऑफ योर्स। इसमें से एक सवाल जो सब लोग करते हैं कि पिनू को अक्सर आप लोग मेरे बहुत सारे वीडियो में खाना खाते हुए देखते हैं, तो वो कैसे उसने खाना स्टार्ट किया और कब से मैंने उसको खाना इंट्रोड्यूस किया, एंड ये भी बड़ी हो रही है, व्हाट एम आई डूइंग विथ हर, क्या मैं सेम ट्रिक अपना रही हूँ उसके लिए कि नहीं, एंड इफ दैट इज़ वर्किंग ऑर नॉट, और आज वो खुद खा सकती है। सो ऑल द थिंग जीरो डाउन ऑन द बिगिनिंग, दैट इज़ द स्टार्टिंग ऑफ सॉलिड्स। सो टुडेज वीडियो इज़ ऑल अबाउट स्टार्टिंग ऑफ सॉलिड्स ऑफ माई लिटिल बेबीज। जहाँ पे मैं कॉफ़ी पी रही हूँ या फिर मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ और लियाना आ आ करके मांग रही है, खा तो नहीं पाती थी, और ऑब्वियसली मैं एक छोटे से 4 महीने के बेबी को कॉफ़ी तो नहीं देती थी, लेकिन उसके लिप में मैं टच कराती थी बिकॉज आई अंडरस्टूड दैट शी हैज़ ग्रोन एन अंडरस्टैंडिंग फॉर फूड। तो हम क्या पी रहे हैं उसको कभी टेस्ट नहीं कराते थे, लेकिन हम पी रहे हैं वो देख के उसको इंटरेस्ट होता था, एंड दैट इंटरेस्ट इज मोर देन इनफ फॉर अ पेरेंट टू अंडरस्टैंड कि येस दिस इज द राइट टाइम फॉर स्टार्टिंग सॉलिड्स। ऑन द कॉन्ट्ररी दिविशा का कोई इंटरेस्ट मैंने नहीं देखा, लेकिन फिर भी आई स्टार्टेड सॉलिड्स, और दोनों के लिए एक ही चीज़ से मैंने स्टार्ट किया था, वो है एक यू नो सेमी लिक्विड कंसिस्टेंसी का कोई भी चीज़। तो लियाना के लिए मेरा जो फर्स्ट फूड था वो था एवोकाडो। हाथ से एकदम मैश 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 करके मम्मी उसके मुंह में ऐसे करके लगा देती थी, एंड शी यूज़ टू ऐसे जीभ घुमा घुमा के जस्ट यू नो अंडरस्टैंड फूड विच इज़ एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम मिल्क। पहले हम लोगों ने हाथ से ही खिलाया बिकॉज उसे मुंह में जाएगा, बिकॉज जब बच्चे फर्स्ट टाइम खाते हैं तो उन लोग का जीभ रेडी नहीं होता है खाना को अंदर घुसाने के लिए, तो मैक्सिमम खाना बाहर आ जाता है, बट उसे डरने की कोई बात नहीं है बिकॉज ऐसे करते करते जीभ को ट्रेनिंग हो जाएगी खाना को बाहर धकेलने के बदले अंदर लाने की। तो नाउ कमिंग टू हर, तो उसके लिए जो फर्स्ट फूड मैंने इंट्रोड्यूस किया दैट वाज नॉट एवोकाडो, बिकॉज एवोकाडो ये नहीं बिल्कुल अंडरस्टैंड कर पा रही थी, और मैश किया हुआ एवोकाडो भी वो मतलब उसके एक्सप्रेशन से भी लग रहा था शी इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग। द फर्स्ट फूड दैट आई इंट्रोड्यूस टू हर इज़ राइस, वाटर एंड राइस। सो ये देख सकते प्लेन बॉइल्ड राइस मैश किया हुआ है पानी के साथ, तो यही वो खाती है व्हेन वी आर होम। तुम भी खा लोगे पीनू, तुम खा के दिखाओगे चिनू दैट यू लाइक इट। गुड गर्ल माय बेबी, गुड गर्ल, तुमको भी खाना है, तब तुम ये तो बेबी फूड है पीनू। मैं भी खा लूँ ये। नो no! जब उसका खुद का टाइम होता था ना तब मुझे नहीं पता कि खा पाती थी कि नहीं, लेकिन थैंक्स टू मी जो उसको ज़बरदस्ती खुद खिलाना सिखाया, बहुत वेस्ट किया उसने खाना, लेकिन आज वो खुद खा सकती है। हाँ उसको दू क्या, बेचारी मुँह चलाए जा रही है, ये खा ले रही है सारा, थोड़ा सा बोनू को तो हाँ क्या करूँ बोलिए, तो अभी लियाना इस वीडियो में आ गई, आके अभी सारा खाना खा ले रही है। ये है क्यूट सा रुकावट, बट चलेगा। पीनू उसको एक बार बोनू को, एक बार तुम अभी तुम खा लो। तो मैंने दोनों के लिए ही ये जो फर्स्ट फूड है इसके लिए मैंने ये चम्मच लिया था रबर का, सो दैट इवन इफ यू इंट्रोड्यूस दिस चम्मच इनसाइड द माउथ तो आपको ऐसे करके उसके जो गम होता है उधर ज़बरदस्ती चिपका नहीं देना है खाने को, खाना को आप मुंह के अंदर रखो उसको खुद खाने दो, तो दैट वेज दे विल एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप विद फूड, खाना कभी ज़बरदस्ती नहीं फील होगा। तीनों दोनों ही चम्मच तुम ले लोगे। बोनू को खिला रही है पीनू। पीनू इज अ बिग गर्ल ना, तो आप बोनू को खिला दो ना पीनू, एक स्पून तुम एक स्पून बोनू।
तो पीनू को हम खाने देते हैं। इन केस इफ़ यू आर ट्रैवलिंग, आप सोचेंगे कि जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो बच्चे के लिए खाने का इंतज़ाम कैसे करें, तो उसके लिए भी मेरे पास बंदोबस्त है। ऑनलाइन भी अवेलेबल है, इंडिया में भी अवेलेबल है, वो है कैंडामिल ऑर्गेनिक राइस फ्रॉम 4 to 6 months प्लस। सो इट इज़ स्मूथ बेबी राइस, जस्ट राइस एंड नथिंग, एंड दिस इज़ ऑर्गेनिक, सो नथिंग कुड बी बेटर देन दिस। इसमें कोई पाम ऑयल नहीं है, नो एडेड शुगर, एंड इट इज़ ऑर्गेनिक, और ये इसका एड नहीं है। दिस थिंग इज़ मेड इन लंडन UK, और क्वींस अवार्ड मिला है इसको हमेशा फॉर बींग मोर ऑथेंटिक एंड ऑल। वैसे मैं कैंडामिल का दूध भी पिलाती हूँ पीनू को, और चीनू को भी मैं कैंडामिल का दूध में स्विच करने जा रही हूँ बहुत जल्दी आफ्टर 6 months। तो ये है, यू नो दिस इज़ अ फूड सकर। इसमें मैंने भरा है ब्लूबेरीज। ब्लूबेरी आप बोलेंगे कि कहाँ मिलेगा, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव फ्रूट। नो गाइज, आई फेल्ट ब्लूबेरी बनाना दिया जा सकता है, बट आई चोज ब्लूबेरी। इसमें आप ब्लूबेरी बनाना मैंगो कुछ भी दे सकते हैं, तो मैं ब्लूबेरी चूज़ किया। और इसमें है बहुत सारे छेद, इट्स लाइक अ बॉटल। उसकी गम भी अभी थोड़ा थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, सो शी बाइट्स ऑन इट, और इसका जो जूस है इसके मुंह में चला जाता है। सो दिस काइंड ऑफ इंट्रोड्यूसेस फ्लेवर। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही फ्रूट दे रोज़, आप अलग अलग फ्रूट भी दे सकते हैं। जितना ज़्यादा वैरायटी ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स आप जितना जल्दी इंट्रोड्यूस करेंगे, बच्चे का फूड पैलेट उतना वाइड होगा। नहीं तो बड़ी होके मुझे ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, वो क्या है, मुझे ये पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा पसंद और नापसंद बन जाता है। तो आप जितना जल्दी और जितना ज़्यादा वैरायटी ऑफ फूड इंट्रोड्यूस करेंगे, बच्चे का पैलेट उतना वाइड खुलेगा। और खट्टा भी दे सकते हैं, खट्टे से भी टेस्ट बड खुलता है, तो बच्चे को टेस्ट आना शुरू हो जाता है। तो पीनू के साथ तो मैंने दुनिया का एक्सपेरिमेंट किया। आई हैव गिवन हर लेमन, आई हैव गिवन हर लॉट्स ऑफ थिंग्स, और इसका मैंने धीरे धीरे अभी देखा है कि मैं अगर कुछ पी रही हूँ और तो वो बाजू में बैठे बैठे हल्के से मुंह खोलती है, पहले बिल्कुल नहीं करती थी। तो जैसे मैंने देखा कि उसका इंटरेस्ट शुरू हो गया विथ फूड, शी इज़ नोटिसिंग फूड, कि मैं खा रही हूँ तो वो मेरे चम्मच को या खाने को नोटिस कर रही है, तब से मैंने उसके लिए फूड इंट्रोड्यूस कर दिया। आपको लग रहा है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी रश कर रही हूँ इस वीडियो को लेके, बट यू कैन अंडरस्टैंड, शूटिंग विथ 2 infants इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग। और ये तो जब पागलपंती कर रही है, बहन का खाना लेके अभी खा के, मतलब कटोरी भी अभी लग रहा है धो के पोछ के सुखा भी देगी। सो दिस इज़ जस्ट अ बेसिक ऑफ हाउ यू कैन स्टार्ट सॉलिड। उसके बाद आप धीरे धीरे कोई भी खाना इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बट ये याद रखिए, टिल 1 year नो शुगर, नो सॉल्ट, नो जैगरी, नो हनी। तो मीठा बिल्कुल भी मत दीजिए। इनफैक्ट 1 साल हो चुका है, 1 year 1 month है पीनू, और उस दिन आपने देखा कि पीनू का होंठ कट गया था, और बहुत लोगों ने मुझे बोला कि आप मुंह में अगर शक्कर डाल देते तो खून तुरंत बंद हो जाता। इतना ज़्यादा नहीं कटा था, इसीलिए मैंने शक्कर को अवॉइड किया, बिकॉज आई डिडंट वांट टू स्टिल इंट्रोड्यूस शुगर टू द बेबी। इसलिए नहीं कि मना है, मैंने इसलिए गौर किया कि क्यों मना है। द ब्रेन डेवलपमेंट जो होता है बेबी का, वो स्लो हो जाता है इफ़ यू इंट्रोड्यूस शुगर। गुड़ शुगर से ही बनता है, हनी भी, इट इज़ इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट शुगर। सो ये सब कुछ डॉक्टर ने मना किया, तो मैंने एज अ रूल इसको फॉलो कर रही हूँ। तो अभी भी मैंने शुगर या शुगरी स्टफ पीनू को इंट्रोड्यूस नहीं किया। सो ये मेरा मोर ऑर लेस एक प्रिलिमिनरी था कि किस तरीके से आप खाना इंट्रोड्यूस कर सके। बाकी तो मैं हर वीडियो में थोड़ा बहुत दिखाई देती हूँ कि किस तरीके से मैं पीनू को खाना एक्सप्लोर करने देती हूँ अपने हाथ से, जबकि बड़े बुज़ुर्ग मुझे भी बोलते हैं कि खाना वेस्ट हो रहा है, उसका पेट नहीं भर रहा है, खाना उसके मुंह में नहीं जा रहा है, ऐसे उसका मतलब क्या ना, पोषण कैसे मिलेगा। बट आई स्टिल अलाउ हर टू प्ले विथ फूड। उसी के साथ साथ उसने कब खुद खाना सीख लिया किसी को पता ही नहीं चला, बट शी एक्चुअली खुद फोक डालती है, खुद फोक को मुंह के अंदर डालती है और ऐसे खाना खाती है, ब्रोकली खाती है, नूडल्स करके खींच के खाती है। और आज का तो आपने देख ही लिया, बहन से लेके खुद ही कटोरी से चम्मच से खा लिया। वो हो गया, अब ये खाओगे।
ओके बाय गाइज, यहाँ पे बहुत ज्यादा मेस हो चुका है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं बताऊंगी कि पीनू को क्या क्या मैं खिलाती हूँ और उसके लिए मैं स्पेशल क्या और इंतजाम करती हूँ ताकि वो खाए। एक दिन मैंने उसको अंडे का पीला भी खिलाया था, हल्का सा गर्म पानी से उसको पतला करके मुंह में डाल डाल के, एंड शी लव्ड इट। सो या ट्राई एक्सपेरिमेंटिंग विद फूड विद योर बेबीज, योर बेबीज विल फॉल इन लव विद फूड मोर एंड मोर। या सो बाय, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू द बीना डी कोड्स। आई लव यू गाइस।